हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना पेपर देने वाले हैं 21 मार्च को। तो स्टूडेंट्स आ जाइए, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। सभी बच्चे जुड़ जाइए कक्षा 11वीं वाले और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सही विकल्प चुनें। देखिए, मेसोपोटामिया किस देश का हिस्सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर होगा इराक। इराक आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुमेरियन। सुमेरियन करेक्ट आंसर होगा। मेसोपोटामिया की शाही राजधानी कौन सी थी? तो उरुक आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का उदय हुआ? तो आंसर हो जाएगा छठी शताब्दी ईसा में, शताब्दी ईसा पूर्व, ये इसका यहाँ पर था। ठीक है, हमारा आंसर तो यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहले रोमन सम्राट कौन थे? तो यहाँ पर होगा आपका आंसर ऑगस्टस। ऑगस्टस आपका राइट आंसर रहेगा। और रोमन साम्राज्य को शेर से सबसे अच्छी तरह की शराब मिली? तो कैंपनिया। कैंपनिया आपका आंसर होगा, जिसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो मेसोपोटामिया दो नदियों दजला और फुरात के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुमेरियन शेर में गिल गमेश का शासन था? ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? सुमेरियन। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? तो भूमध्य सागर। खालिस्तान में क्या आएगा? भूमध्य सागर। अगला है, मेसोपोटामिया शासक, तो यहाँ पर 2370 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा था। तो यहाँ पर हो जाएगा सरगोन। सरगोन आपका सही उत्तर होगा, जिसके बाद 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया, तो ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है, रोम आधुनिक में स्थित है? यूरोप। यूरोप मतलब इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रोम में गणराज्य की स्थापना में हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व। जोड़ी मिलाना है, ठीक है, तो जोड़ी मिलाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ऑगस्टस को मिलाओगे, किससे मिलाओगे? जोड़ी आप लोगों को अभी यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है, जोड़ी अभी आपको, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हो रही ना, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग करके अभी आपको बता देंगे। तब तक आप एक शब्द मुद्दा देख लीजिए। मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और मेसोपोटामिया में प्रचलित लिपि को किस नाम से पुकारा जाता था? तो किलाक्षर लिपि के नाम से पुकारा जाता था। और उत्तर अफ्रीकी शेर हिप्पो के बिशप कौन थे? तो एगस्टिन थे। सर्वप्रथम कौन से रोमन सम्राट ईसाई बने थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेटाइन, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की जानकारी के एक साधन का नाम लिखिए। तो देखिए, रोम साम्राज्य की जानकारी के एक साधन का नाम आप लोग बता देंगे यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र इसका अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक प्रश्न का जवाब आप सभी को बताना है, सिकंदर यूनान किस राज्य के शासक थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सिकंदर यूनान किस राज्य के शासक थे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकदुनिया। ठीक है, जिसके बाद में आपका आंसर यहाँ पर सत्य फत्य के रूप में रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था? तो नहीं,
एकल परिवार का था, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप असत्य लिखेंगे और आंसर भी मैंने लिख रखा है। ऑगस्टस जूनियस सीजर का दत्तक पुत्र था, नहीं असत्य लिखेंगे। और मेसोपोटामिया नील नदी के किनारे स्थित था, ये भी असत्य होगा, तीनों असत्य अभी तक। और उर नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। उरुग नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। और मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लेखन कार्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर किया जाता था, बिल्कुल सत्य है। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर बता रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना और सभी के अच्छे से उत्तर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से IMP क्वेश्चन है। ठीक है, सभी देख लीजिए एक के बाद, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आगे हम बात करें 19, 20, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों का जोड़ी अगर आप बना सकते हैं वहाँ देखकर तो बना लीजिएगा, वरना मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जोड़ी जो है कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।